और सभी को मैं जसोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी ट्रिपल्स यूट्यूब में। और आज हम देखने वाले हैं अपनी जो EVS की 9th वीडियो है उसे, मतलब अभी तक हम लोगों ने 8 वीडियोस देख ली हैं EVS की, अब हम 9वीं वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, यूपी टेट और सी टेट के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट कुछ जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक को हम आगे बढ़ाएंगे। इकोसिस्टम आपका टॉपिक था और उसका ही एक सब टॉपिक है, एक और मतलब पार्ट है उसका, जो क्या है, जो है वाटर साइकिल, मतलब कि जो जल चक्र जो होता है वो कैसे क्या काम करता है उसके बारे में जो तथ्य है वो हम देखेंगे समझेंगे। और जैसे ही ये इकोसिस्टम नामक ये जो इतना लंबा टॉपिक चल गया है, जैसे ही ये ओवर होगा उसके बाद फिर इस पूरे टॉपिक पर एक क्विज होगी, जो लाइव क्विज होगी, उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करने हैं और देखेंगे कि कौन सा व्यूअर जो है वो सबसे आगे चल रहा है। तो काफी अच्छा एक सेशन रहेगा वो भी, पर अभी फिलहाल बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ बात करने के लिए क्या है, यहाँ हमारे लिए सबसे पहले है जल चक्र। जल चक्र की शुरुआत कैसे होती है, आगे कैसे बढ़ता है, सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जल चक्र की शुरुआत किससे होती है, जल चक्र की शुरुआत होती है सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा क्या करती है, मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है तापमान, मतलब उनमें होती है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट एनर्जी होती है, तो वो जो हीट एनर्जी है वो क्या करती है, वो वाष्पीकरण करती है। वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन करती है। इवेपोरेशन किस चीज का, जो पानी है धरती पर, मतलब पृथ्वी का जो भी पानी, जहां भी पानी है, चाहे वो नदी में है, चाहे तालाब में है, चाहे वो सागर में है, जहां भी वो पानी है उसका क्या करती है, वाष्पीकरण करती है, इवेपोरेशन करती है। अब ये चीज आप याद रखिएगा कि इवेपोरेशन से आपके माइंड में, आपके दिमाग में पता है क्या एक इमेज बनती है, कि एक बर्तन में पानी रखा हुआ है गैस पर, वो गैस उसने क्या कर रखी है, नीचे से ऑन कर रखी है और ऊपर से भाप उड़ रही है उस पानी से, तो आप सोचते हो कि ये इवेपोरेशन है वो इवेपोरेशन मान लिया। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उबलने में और इवेपोरेशन में, मतलब वाष्पीकरण में और क्वथन में फर्क क्या होता है, मतलब इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनकी कंफ्यूजन दूर करते हैं और एक बार बताता हूं कि जो इवेपोरेशन है उसमें और जो ये है क्वथन मतलब बॉइलिंग, उसमें फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है कि बॉइल करने के लिए, मतलब क्वथन तक पहुंचाने के लिए आपको एक टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 100 डिग्री चाहिए आपको किस चीज के लिए, पानी को उबालने के लिए, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन के लिए 100 डिग्री नहीं चाहिए होता, इवेपोरेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी गर्मी चाहिए और हवा में आर्द्रता कम हो तो बस ये जो वाष्पीकरण है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण होता है सौर ऊर्जा की मदद से, तो ये मत याद रखे, मतलब सोचिएगा कि जो सौर ऊर्जा है वो पानी को उबालती है तब जाके वो उड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि सबसे पहले क्या होता है, सौर ऊर्जा वाष्पीकरण करती है, मतलब सोलर एनर्जी इवेपोरेशन करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों का इस्तेमाल करते हुए जो मिट्टी के अंदर जो जल होता है उसे क्या करते हैं, निष्कर्षण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करते हैं। मतलब ये कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा पानी को खींचते हैं ऊपर की तरफ, और जब वो पानी ऊपर की तरफ आता है तो उसे पत्तियों से क्या करते हैं, खाना बनाने के दौरान उसको क्या कर दिया जाता है, वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है, उसका मतलब ट्रांसपिरेशन कर दिया जाता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर पानी खुले वातावरण में अगर उड़े तो उसे वाष्पीकरण बोलेंगे, और अगर पानी पत्तियों के द्वारा उड़े तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे, मतलब ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात पड़ती है सर इंग्लिश वालों के लिए, मैं थोड़ा सा बताया था। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट वैक्यूम क्रिएट करके, मान लो वैक्यूम तो खैर नहीं बोलेंगे उसे आप ये कह सकते हो कि
सक्शन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, सक्शन क्रिएट करते हैं। अब एक तरफ से पानी उड़ेगा पत्तियों में से तो क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा, एक खिंचाव जो है वो एक क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा कि वो पानी जो जड़ों के पास है वो ऊपर की तरफ खींचेगा, और जब वो पत्तियों के पास आएगा तो फिर से उसका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पौधे हैं वो भी इवेपोरेशन में, मतलब पानी को ऊपर उड़ाने में हेल्प करते हैं। तो याद रखिएगा भाई, दो तरीके से होती है, एक तो सौर ऊर्जा की मदद से और दूसरा जो पौधे करते हैं वो, एक होती है खुले वातावरण में और दूसरा होता है पत्तियों के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पानी क्या हुआ, ये पानी ठीक है उड़ गया हवा में चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है क्या लगता है कि पानी उड़ गया हवा में तो ऊपर पहुंच के वही हवा क्या बन जाती है, वही हवा बादल बन जाती है। बादल बन जाती है लेकिन हवा नहीं बनती है। कैसे होता है वो आपको बताता हूँ। देखो, ऊपर जब ये हवा ऊपर उठती है तो ये जो आर्द्रता है हवा में, ये क्या करती है, जहां भी इसको तापमान कम दिखाई देता है, जहां भी इसको टेम्परेचर कम दिखाई देता है, उस जगह पर क्या होता है कि ये कंडेंस हो जाती है, मतलब संघनित हो जाती है। अब कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि कंडेंस होने का मतलब बारिश होना होता है, संघनित होने का मतलब बारिश होना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब जो है वो ना तो बारिश होना होता है ना तो बर्फ गिरना होता है। तापमान कम होने का एक ही मतलब होता है कि संघनन जब वो हुआ तो बादल बन गए। बादल बनना मतलब कि वो जो आर्द्रता थी हवा में उसने क्या किया, उस वो इकट्ठा होके और उसने एक धुंधला सा रूप ले लिया, बहुत ही छोटी छोटी से कण जो थे पानी के वो बन गए हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें हम बादल बोलते हैं, उन्हें हम क्लाउड्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, तापमान कम होके वो जो आर्द्रता थी वो संघनित हुई और बादल बनाए उसने, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाई वाटर की, और उसके बाद फिर वो जो बादल थे उनका क्या हुआ, उनका हुआ अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब हुआ कि जो आज तक आप समझ रहे थे कि संघनित होने का मतलब ये है कि पानी बादलों से नीचे गिरने लग गया बारिश के रूप में, वो संघनित नहीं होता, वो संघनन नहीं होता, वो होता है अवक्षेपण, वो होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि छोटी छोटी पानी की बूंदों ने मिलकर बड़ी बड़ी पानी की बूंदों का जो है रूप लिया, और वो इतनी भारी हो गई कि वो हवा में लटकी नहीं रह पाई और वो नीचे गिरना शुरू हो गई। तो उसे प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, उसे अवक्षेपण बोलेंगे, उसे वर्षण बोलेंगे, मतलब ऊपर से पानी को गिरना मतलब वर्षा होना, मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। अब उसके बाद जब वो पानी गिरा तो गिरने के बाद क्या हुआ, गिरने के बाद ये हुआ कि वो जमीन से अंदर रिसता हुआ या सीपता हुआ क्या हुआ, रिसकर वो पहुंचा नीचे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब कि जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनके थ्रू, या जो घास होती है उनके थ्रू वो नीचे भूमिगत जल तक पहुंचने की कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा मदद करते हैं इस काम में झील या फिर जो कुएं होते हैं वो, तो वो क्या करते हैं कि इस पानी को जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड करते हैं, मतलब भूमिगत पहुंचाते हैं, और जो हमारा भू जल है मतलब भूमिगत जो जल है उसके लेवल में, उसके स्तर में सुधार आता है। ठीक है, मतलब पानी रिसकर या सीपकर, सीपेज के थ्रू नीचे पहुंच जाता है अंडरग्राउंड वाटर तक। ठीक है, भूमिगत जल तक पहुंचता है मतलब अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एक पार्ट हुआ कि ये भूमिगत जल जो है वो नीचे बढ़ता चला गया। इसके अलावा ये तो बहुत कम पार्ट होता है जो अंडरग्राउंड जाता है, काफी ज्यादा पार्ट जो है वो कहां जाता है, वो जाता है सागर में, वो जाता है सागर में मतलब ओशियन में जाता है। तो अब उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो चीज मतलब जो पानी यहां से चला था, जो पानी यहां से चला था सौर ऊर्जा के थ्रू वाष्पीकरण जो जिसका हुआ था, वो सबसे ज्यादा कहां से हुआ था, सागर से हुआ था, नदियों से हुआ था, झरनों से हुआ था, कुएं से, तालाबों से हुआ था, कुएं से तो बहुत कम होता है, गिनना ही मत उसे। तो वो जो हुआ था वहां तक वो पानी
रिस्क कर या किसी भी माध्यम से वापस से पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो था ये वाटर साइकिल थी, जल चक्र था। तो ये क्या था, ये हमारे इकोसिस्टम का ही एक टॉपिक था, मतलब जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसका ही एक टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। तो ये आपका यहाँ पर जल चक्र है वो खत्म हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन साइकिल करेंगे, मतलब कार्बन चक्र करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल करेंगे, तो ये उसके बाद ऑक्सीजन साइकिल भी करेंगे। तो ये चार चक्र आपको बताऊंगा, इन चारों चक्रों को आपको समझना है। और वापस से बता दूं कि एंड में क्विज जरूर होगी, तो याद रखना भाई, तैयार रहना क्विज के लिए, लाइव क्विज होगी और उसमें देखेंगे कि सबसे अच्छा कौन परफॉर्म करता है। और तब तक के लिए जो भी भाई मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, कम से कम उनका तो ये कर्तव्य धर्म बनता है कि वो इस वीडियो को शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं या कभी कभी देखते हैं वो लाइक कर सकते हैं। और जिन्हें कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करनी है, वो कमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि हमारे चैनल के फेसबुक पेज का लिंक, जैसे कि EVS की सारी क्लासेस मतलब प्लेलिस्ट का, अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाई है उनका लिंक, मैथमेटिक्स की जो भी 10-12 वीडियो अभी तक बनी है उनका लिंक, और CDP की जो वीडियोस हैं उनका लिंक, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के काम आता रहूं।